काम का पता रहता था इनके आईडी पे और वहाँ कहो कि ये गाजियाबाद में इसको बना रहे थे। सीआईडीआई की एजेंसी के माध्यम से हम ये जा रहे हैं कि 30,000 कार्डों को हम वेरीफाई कर पाएं, उनको तस्दीक करके उनका निरस्तीकरण कर। बिना दस्तावेज के आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जनपदीय साइबर सेल सर्विलांस टीम पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले उपकरणों सहित नेपाली एवं बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 6 अभियुक्त गण व 2 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार। कब्जे से 137 आधार कार्ड, 30 लैपटॉप आदि भारी मात्रा में बरामद हुआ। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही एसपी ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा पहले ही एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। ठीक उसी तरह यह एक गिरोह जो कि आधार कार्ड बनाने का एक ऐसा गिरोह जिसका संबंध आसाम से तक जुड़ा हुआ है। अभी तक इनके पास जो आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड बरामद हुए हैं उनके तार कहीं न कहीं से आसाम से जुड़े हुए हैं। ये लोग 5,000 रुपए तक में आधार कार्ड बनाने का काम करते हैं जो कि अब तक 30,000 लोगों का आधार कार्ड पहले ही बना चुके हैं। ये लोग आधार कार्ड बनाने की मेंबरशिप एजेंसी लेते थे और फिर अपनी टीम द्वारा आधार कार्ड बनाते थे। इनके संपर्क में अभी 30 से 35 लोग और ऐसे थे जो कि अपने नाम की एजेंसी लेकर आधार कार्ड बनाने का सेंटर खोलने वाले थे। इस गिरोह के तार बहुत बड़े हैं। अभी इसमें बहुत ऐसे अभियुक्त हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस वह आधार कार्ड संबंधी उच्च अधिकारी लगातार संपर्क में है जो कि अभी तक जारी किए गए हैं। सारे आधार कार्ड की जाँच करेंगे जिन पर निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी ऐसे फर्जी आधार कार्ड बनवाकर फिर आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र बनवा लेंगे और चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इन चीजों से जब वो वहाँ पे आईडी और वहाँ से ले लेते थे और पासवर्ड वहाँ से ले लेते थे, यह जो है आसाम के होके आसाम के माध्यम से वो आसाम का पता रहता था इनके आईडी पे और वहाँ का होके गाजियाबाद में इसको बना रहे थे। यानी ये मान सकते हैं कि गाजियाबाद में काफी बांग्लादेशी और बाहरी लोग रह रहे हैं और जिनके आईडी कार्ड नहीं है उनके आराम से आईडी कार्ड बन रहे थे। कितने रुपए में एक आईडी कार्ड बना रहे? देखिए, ये पूछताछ में इन्होंने स्वीकारा है कि जो जिनका ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे इस तरीके का, लगभग 5,000 रुपया ये चार्ज करते थे जो पूरा फर्जी अगर पता करना होता था। साथ में ये अगर वहाँ पे पता बदलना होता था, जैसे कि कोई व्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार का है, वो गाजियाबाद या एनसीआर रेंज में कहीं बस गया है, तो उसका पता चेंज करने के लिए ये कुछ 2 से 2,500 रुपया चार्ज करते थे, उसको भी ये कर रहे थे। साथ में ये पैन कार्ड भी फर्जी बना रहे थे और ई श्रम कार्ड भी बना रहे थे। अब हम लोग इस फर्जीवाड़े में यूएडीआई के अधिकारियों से दिल्ली से संपर्क में हैं, जहाँ पे कि हम लोग ये तस्दीक कर रहे हैं कि जो पिछला ये 30,000 कार्ड इन्होंने बनाए हैं उसके लिए हम लोग जा रहे हैं कि इन 30,000 कार्ड को हम वेरीफाई करके इनको कैंसिल कराने का काम कर सकें। साथ ही साथ हमें लगभग 133 बने हुए आधार कार्ड मिले हैं, उन आधार कार्डों को भी हम ये तस्दीक कर रहे हैं कि विभिन्न किन किन कंपनियों से बना है और उन कंपनियों से और कितने आधार कार्ड बने हैं जिनको कि हम क्रॉस वेरीफाई यूएडीआई के ऑफिसर्स से वहाँ की संस्था से करा रहे हैं। आधार कार्ड के अलावा और क्या क्या चीज़ बना रहे थे? आधार कार्ड के अलावा ये मैंने जैसा आपको बताया पैन कार्ड और ई श्रम कार्ड ये बना रहे थे जो कि इनके पास से भारी मात्रा में प्राप्त हुए। इनमें कुछ बाहरी लोग भी हैं सर? कोई बाहरी नहीं, सारे यही के हैं, एनसीआर के रहने वाले लोग। नेपाल का भी जिक्र किया गया है, नेपाल के लोगों का भी बनाए गए हैं? नहीं, तो नेपाल के और बांग्लादेश के जो आधार कार्ड हैं फर्जी वो बनाए गए हैं। जो ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ अभियुक्त हैं हमारे, वो यही एनसीआर के ही रहने वाले। यानी गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में काफी बाहरी लोग रह रहे हैं, इनको पकड़ने के लिए क्या पुलिस को कार्रवाई? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बता रहे हैं कि लगभग अब तक 30,000 फर्जी कार्ड बना चुके हैं, उनका हम तस्दीक करा रहे हैं और हम एजेंसी के माध्यम से आधार यूएडीआई एजेंसी के माध्यम से हम ये जा रहे हैं कि ये 30,000 कार्डों को हम वेरीफाई कर पाएं, उनको तस्दीक करके उनका निरस्तीकरण कर पाएं और आगे की कार्रवाई कर पाएं। क्या उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा जिन्होंने ये फर्जी आधार कार्ड बनवाए? जी, ये जाँच का विषय है, ये देखा जाएगा कि क्या उनको इस बात का तस्दीक था कि वो इसमें लिप्त हैं अथवा नहीं है, इसके जाँच के बाद इस पर निर्णय हो जाएगा।